थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। वो अगर आप बार 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 पढ़ते रहते हो, वो बुक कैसे लिखी गई है किसी को पता है उस बुक की हिस्ट्री के बारे में? पता है जो ऑथर है उसने बहुत साल तक रिसर्च करी, ऐसे ऐसे लोगों से जाकर के मिला जो अमीर हैं, और वहां पर कुछ डिस्कवर किया कि ऐसा क्या है जो इन सब में कॉमन है, ऐसा क्या है जो ये सब करते हैं। क्योंकि अगर कोई एक करता है बाकी नहीं करते हैं तो उसको लॉ नहीं बोल सकते, उसको फॉलो करना खतरनाक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने लॉटरी की टिकट ली तो वो लॉटरी के जैसा हो गया और उसकी लॉटरी निकल गई, तो इसका मतलब ये नहीं आप भी लॉटरी लोगे तो आपकी निकल जाएगी। लॉ किसको कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, दो पत्थरों को आपने लिया, रगड़ते रहे, थोड़ी देर में चिंगारी वहां से उठी और उसे आग लग गई, ये क्या है? ये कोई लॉटरी की टिकट है? अगर आप भी समझ जाओ किस तरीके से करते हैं तो आप भी आग को जनरेट कर सकते हो ना। ये लॉ है, इस लॉ को समझना है, इसको आप लॉ कहो या उस लेवल की कंडीशनिंग कहो, उसको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या लॉज हैं अमीर होने के। जैसे आप उस बुक को पढ़ोगे बिल्कुल मजा नहीं आएगा, आप कहोगे क्या बकवास बातें हो रही हैं, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग से बिल्कुल अलग है। बट एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, चार बार पढ़ा, पांच बार पढ़ा, उसके बाद में क्या होने लग जाएगा? धीरे धीरे आपकी चेंज होने लग जाएगी कंडीशनिंग। ऐसी और बुक्स पढ़ी, ऐसे लोगों को सुनना शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क को सुनना शुरू किया। कितनों को पता है उसके बारे में इलॉन मस्क? बाकियों को पता ही नहीं है। बहुत बढ़िया, कौन है? गूगल है ना आपके पास में, मोबाइल है ना, उसमें सर्च कर लेंगे गूगल पे। अच्छा, बिल गेट्स कौन है तो पता होगा? यस सर। स्टीव जॉब्स कौन है, पता है ना? कितनों ने बुक पढ़ी है स्टीव जॉब्स की? कितनों को पता है कि उनका माइंडसेट कैसा है? ऐसे समझना होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर को समझना होता है। और बड़े ही, आप इसको ये कह सकते हो, एक क्यूरियस माइंडसेट के साथ में समझना होता है, नॉट विद अ स्केप्टिकल माइंडसेट। क्यूरियस में और स्केप्टिकल में फर्क पता है? स्केप्टिकल मतलब क्या? जैसे ही ऐसी कोई बात कहीं पर आप सुनोगे जो आपकी कंडीशनिंग से अलग है, आप बोलोगे ऐसा तो नहीं होता, उसके साथ हुआ होगा, मेरे साथ नहीं होता, ऐसा हर एक के साथ नहीं होता। दिस इज स्केप्टिकल माइंड। क्यूरियस माइंड मतलब क्या? अरे कैसे हुआ ये, कैसे किया, अच्छा कैसे करते हैं? तो ऐसे दिमाग चलने लग जाता है धीरे धीरे धीरे, फिर हमको आंसर्स मिलने लग जाते हैं, कंडीशनिंग बदल चुकी है, देन वी स्टार्ट गेटिंग आंसर्स। फिर जो भी हम करते हैं वो सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है। जो मैं बोलता नहीं रहता आसान है आसान है आसान है आसान है, कब आसान है? हाँ, पहले आपकी सोच बदले फिर रियलिटी बदले तो सब कुछ आसान है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।